ਅਜੀ ਆ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੇਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਤਰੇ ਰਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਾਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 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 ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਸਾਹ ਫਸਾਹ ਦਾ ਨੇ ਮਸਾਹ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल मैं हाँ थोड़ा डॉक्टर इकबाल अल मारूफ वेला बाबा और ए हिंद चंद मसाद असद हाँ इस तरफ को तो आपको बहुत बहुत सलाम बड़ी खुशी थी है आज पहली दफा वला तो हर नाल बैठक थी नहीं पई है और ये बैठक इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेरा वाली छोवे सरे की छोवे और तुहरे नाल गप शप लाऊं जिथे तुम बैठे सब कुछ पहले साढ़े एक दोस्त हैं उन्होंने नाम है मुहम्मद असलम ये महला जोगियां वाले विच रहन और उन्होंने आज है बर्थडे तो तुसा मेरे नाल सारे मिलके चंद मसाद ते वेला बाबा दे नाल उन्हां को हैप्पी बर्थडे विश करने हैं ठीक है और मैं बैकग्राउंड विच एक गाना भी लाना हैप्पी बर्थडे दा वो भी सुनने और ताड़ी बजाने हैं ठीक है चले जी बहुत बहुत मुबारक हो गए और हैप्पी बर्थडे मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे और जिन्हों की बिना दोस्तों की चंद मसातों की पितरारा की और सारे जितने भी सराकी वसेब के लोग हैं उन्होंने अगर बर्थडे है तो उन्होंने सारा को भी हैप्पी बर्थडे तो सर आपको कोई क्वेश्चन सारे सराकी के शेयर कर सकते हैं कोई आंसर देने की कोशिश असा करे सो और कोई पहेली हो शेयर कर सकते हैं तो असा कोशिश करे सू के थोड़ी पहेली भी उनका आंसर देने की कोशिश करे सू और चूंकि मुंडे च मैं एक पहेली तो रखे ना एक पहेली भी आदन एक रांद भी आदन और एक एक कहावत भी आदन तो वो मैं तुम्हारे अगू रखे ना तुसा एक मशवरा करके मैं को दसे सो असा दुहां को दसे सो कि इनका मतलब क्या है और जै भी उनका सही ना दसा सब कुछ पहले असा उनका ना चैसू लाइफ विच और सबको बड़ी खुशी थी सी कि तुहा को ये आंदी है कि नहीं क्योंकि ये वो कहावत है जेरे असा छोटे होंदे आसे सारे जेरे बचपन है असा उस वेले सुनते भी आसे ते एक बार कोई कहावत गतेंदे भी आसे वो ये है मैं तुहाको दसे ना तुसा को सुनो गौर दे नाल और दोस्तों नाल अपने जेरे तुहाड़े बैठे उन्हें नाल मशवरा भी करो और व्हाट्सएप को जरूर थे कमेंट ही दसा है मैं कमेंट पढ़ के और तुम्हारा अगर आंसर सही होया तो तुहाको मैं ना चाह के दाद देसा ठीक है रेडी सही है सही चलो गुड ओ कहावत कुछ ही में है कि सत दिहाड़े नंदा गया सत नंदे दे घर यानी मैं रिपीट करना कि सत दिहाड़े नंदा गया सत नंदे दे घर नंदे बह के हिसाब किता नंदा घर दा घर तो तुम एक दवाला रिपीट कर देवा ये दवाला रिपीट कर गया है तो आप में वाला दसा देना सात दिहाड़े नंदा गया सात नंदे दे घर नंदे बह के हिसाब किता नंदा घर दा घर ठीक है ये हम सब आपको दसे सो यदि भी सही इनका रिस्पॉन्ड हुआ और मैं उन्हों का ना चाह के क्लैपिंग करे सो ठीक है तुस मशवरा भी कर सकते हो तुस अपने बुजुर्गों को भी पूछ सकते हो तुस दोस्तों को भी पूछ सकते हो क्योंकि ये अजकल की रीत नहीं अजकल की ये कहावत नहीं ये बहुत पुरानी और उम्मीद है कि देखें कौन पहले आता है और केड़ा लीड गिंदा है ठीक है तो मैं और असा इंतजार है हाँ जी तंजील अहमद वेरी गुड रमीज गुलजार वेलकम और बहुत शुक्रिया
और मैं एक कहावत और एक रांत तक मैं शेयर की थी, उनका आंसर लेने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर तुम नहीं सुनी तो मैं को लिखो, मैं तो को बता उनका जवाब देना कि वो केरी शेयर बेसिकली। साथ में सखावत ने ज्वाइन की थी, सखावत वेलकम, बहुत शुक्रिया। आज बेसिकली ऐसा सरकी जबानी च, डेरावाली जबानी च, मुल्तानी जबानी च, भावलपुरी जबानी च, डेरावाली जबानी च, कह भी लहजे को अगर तुसा पसंद करें दे, इस तरह की जी बेल्ट जो सरकी वसे बातें, एक प्यारी बोली है बहु, और एक सरकी जबान और मिठी जबान है। तो ये मैं कोशिश ये आज करें दे सभी मिलके वेला बाबा चन मसाद कि तुम्हारे नाल सरकी कोई गाली करो। अच्छा ये मैं तो बता रहा सर ना, आज की जी कहावत है वो बेसिकली है कि सत दिहाड़े नंदा गया, सत नंदे दे घर, नंदे बह के हिसाब किता, नंदा घर दे घर, ये कहावत है सरकी के बीच। उस समय अपनी जवाब दसो जनाब मुदस्सर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी शकील, क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक शकील। मैं एक कहावत आखी है, उनका तो समय को दसना है कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। ये शकील द्रमान शकील तो पेशावर अलहदे पे, और वालेकुम अस्सलाम। और एक कहावत मैं वाला रिपीट कर देना, और उनके बाद काफी टाइम के बाद मैं रिपीट कर सा, ठीक है। ओए है कि सत दिहाड़े नंदा गया, सत नंदे दे घर, नंदे बह के हिसाब किता, नंदा घर दे घर। ये सारे लिंग होंगे ही हूँ, अजकल तो खैर ये शेयर को नहीं, लेकिन उस वे ये चीज़ा बहुत ज्यादा होने हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ये है कोई गुलाम नबी, इन्हें अपना शेयर नहीं लिखा, तुसा इवें करो ना, जेरी तुसा अपना कोई क्वेश्चन या रिमार्क्स होवे ना, तुस अपना शहर का ना जरूर दसा किता करो कि तुस केरी जात तू अलेंदे पैवे कितो बैठे हुए, ताकि असा को जरा कुछ आइडिया थी वजे। तो ये गुलाम नबी साहब इन, और ये आधे पेन के बाबा जी तुसा अपने बचपन दी कोई गाल सुनाओ। यार बचपन गुलाम नबी साहब गाल इन्हें है कि बचपन दे तो बहुत सारे गाल ही हैं, और केरी केरी गाल को आदमी याद कर करके तुम्हारे नाल शेयर करे, बहुत ज़्यादा गाल ही नहीं दस, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और लेकिन ये तो को मैं दसना इतना कन्फर्म है कि सारा बचपन और आज तक ज़्यादा वक्त चन मसाद के नाल गुजरा है, ये तो एक थी गया कोट एंड कोट कि सारा जितना वक्त है वो इकट्ठा गुजरे, क्योंकि असा इकट्ठे होंगे, असें एको मुहला होता है, एक इलाका होता है, एक ही जबान होती है, रिश्ता भी अभी सेम है। बाकी कुछ गेम होने जो अजकल गेम को नहीं, और वो जो गेम खेलते से वो तो मैं दो चार शेयर कर देना, और वो शायद तो पता भी ना हो, लेकिन अगर कहीं दोस्त को पता है तो जरूर तले कमेंट दसन कि ये तो को मालूम है या नहीं है। एक जी बहुत ज्यादा मैं खेदा वो कहते हैं गेड़िया, गेड़िया गेड़िया भी होने के छोटे छोटे टुकड़े बने लकड़ी दे, और एक दायरा बना दिया से उनके दो प्लेयर भी थी सकते हैं, चार भी थी सकते हैं, तो बारे बाद अपनी लकड़ी वो विचार रखे ने, तो जरा दूजे प्लेयर होंगे वो अपनी लकड़ी के नाल लकड़ी को मरे ने, या को उस समय की चाहते काठी ऊँ काठी को मरे ने, अगर वो काठी ऊँ दायरे को बहर लगी वन जा तो वो जरा मरेंदा है वो जीत पैदा है, वो कहते हैं गेड़िया। ये बहुत ज्यादा सारे दौरे होने, और ये अजकल तो मेरा ख्याल है कि पता ही को नहीं, इन्हें ना ही मालूम को नहीं कि ये कोई ऐसी गेम है या नहीं, गेड़िया। उनके अलावा चिदे ये तो खैर आम आई हूँ भी, अजकल भी देहात हो सकता मेरा ख्याल है, अजकल चिदे वो खेते असें और उनके निशाने होने बड़ा जबरदस्त, चिदे पता नहीं उनके उर्दू क्या आखते बोले कंचे, यस कंचे आखते वो खेते असें। यह एक जारी बहुत खूबसूरत गेम है, मेरे को बहुत प्यारी अच्छी लगती है, और मैं भी खेलता हूँ वो बटेरे, और वो बटेरे लड़ावना नहीं आई,
कोई होने कि मिसाल डू प्लेयर होने एक मेरा बटे रहे एक चंद मसाद फॉर एग्जांपल बटे रहे तो एक एक जंग उन दी बन गया से दायरा बना दिया से बड़ा सारा उन दुहा बटेरा को धागे दे नाल बन के यानी एक बटेरे दी जंग ते दूजे बटेरे दी जंग इन दे दरमियान दे धागा उन दायरे दे विशाले से बलें दिया से तब तो मरे दस ताड़िया और तो बटेरे उद्यान और जेरा बटेरा उड़ के उन दायरे को करास कर गिन वजह मिसाल अगर चंद मसात अला बटेरा उन दायरे को करास कर गिन दे तो ये जीत बंदी आई और बटेरा ऊंधा ऊंधा आई और इंटरेस्टिंग गाल है कि मैंने दो त्रै दफा ही में थी है कि वो जीवियां सब बलहें दे ऐसे वो दूसरे बटेरे उड़ दे वो एक बहुत जबरदस्त इशू है कि वो बटेरे दो है गए इकट्ठे जो उड़ते हैं ना तो वो गए निकल इम्तियाज शेख साहब इम्तियाज शाह साहब आपने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल आपने ज्वाइन किया मैविस जमशेद आपने ज्वाइन किया मोहम्मद तारिक ज्वाइन किया और या तो जो कहावत शेयर की थी उन्हें तो थोड़ा गौर करके सब दसो तो सही ना कि वो केरी कहावत है उनका क्या मतलब है और वो अच्छा ये गुलाम रब्बानी साहब गुलाम रब्बानी साहब लिखे तौसा शरीफ चो कि बाबा जी तुसा चंद मसाद को किवें मिले आवे ये बहुत जबरदस्त तो क्वेश्चन है और बड़ी मेहरबानी गुलाम रब्बानी साहब असा किवें मिले से ये तक कोई याद को नहीं लेकिन चूंकि असा एक के घर मीन के सारे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम आई और सात आठ घर इकट्ठे रहने सारे जहाँ रहा से पाते हैं हवेली और हिंदू के जमाने का वाला कोई मकान है जैसे एक कमरा एक एक फैमिली को रोंद आई तो अस चुके रिलेशन में आई सारे रिलेटिव भी हैं मसात भी हैं तो ये वजह को लो साको मैं को याद को नहीं कि पहली दफा कड़ा मिले से एग्जैक्टली लेकिन ये जरूर है कि अस हर किस्म की गेम इकट्ठी खेलते से इकट्ठा उठना इकट्ठा बहुना इकट्ठा खाना वो ज्यादा अच्छा लगता है और तो मैं एक ये गाल दसा कि मैं बहुत ज्यादा इन्होंने घर में ना मैं को बहुत मजा आता है ये तो आपको मैं दसा भी क्या को मैं नहीं दसा ठीक है मैं को बड़ा मजा आता है तो खैर बहरल तो वो सारा मुलाकात तो हम नहीं लेकिन एक ही है सारा हिसाब किताब है कि असं इन्हें इकट्ठे रहते असं एक ही जा रहे होते और इन्हें गपशप है और इन्हें टाइम गुजरे और ये आज माशाल्लाह साहब कितने 50 साल ठीक है तकरीबन कितना टाइम थी उसे हाँ 50 साल तकरीबन थे उसे ये क्वेश्चन है चंद मसात को अच्छा बाबा और ये हिन कोई गुमर यूनिवर्सिटी डेर इसमें खान चु काशिफ और ये आदन भाई चंद मसात साको आपने दौर दी कोई गेम जेरे छुरियाँ खेद दियान या तो सा खेद दिया वो सारा शेयर करो ये हिन काशिफ तो हूँ देखो मैं को तो वैसे आइडिया है लेकिन भारत ले तो आपने जबानी डिसीजन कि वो केरी गेम है जेरी अक्सर इंजॉय करें हैं और सारे दौरे छोड़ दिए यदि आजकल मेरा नहीं ख्याल कि कोई खेद हो अगर इस वक्त अगर तो आपको पता भी है ये गेम दा तो तुसा जरूर सबको दसा है कि ये गेम दा तो आपको मालूम है यदि तो आपको चंद मसात दसे नहीं पई है और एक फरमाइश है काशिफ साहब गोमर यूनिवर्सिटी डेर इसमैन खान को तो केरी गेम है जी जरा दसो थोड़ी केरी गेम है काशिफ गेम तो बहुत सारे हैं तो एक गेम तो नहीं होगी उन्हें भी जरूर जरूर मैं को अच्छी लगती है वो होंगे लालू लालू वाली वो एक मतलब गुड़िया का समझो या चमचा हों सालाना का जरा सालन पकड़ने बहुत शर्त पकड़ने उन चमचे को तैयार करके हम तो जेवर शेवर पवा के हम तो दुपट्टा सट के रखे बारिश बादल होंगे झड़ छड़ हो गया वही वहाँ घर के अट्टा गिनुआ तो पानी सटे हैं सारा देते अट्टा जमा करके पैसे ला के ना चीनी शीनी घी शिव गिन के हलवा पका के सारे खाते हैं भर के बस यही है गेम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मजा आता है सारे इकट्ठे जो होंगे अस लेकिन मैं बड़ी पसंद और मैं भी
इन्हां दे पिछु पिछु एक करें दे आसी लाल लाल कैसे हम कट पते कौन अगर तुहाकु डर को पता है तो साकु जरूर शेयर करें कि ये लाडो लाडो क्या चीज है और लाडो लाडो ये की नहीं होती है और का सली शाहनी साहब तो आदि आज इस वीडियो देखी है उन दे तुसा सरेकिच स्टार्ट की दे और बहुत अच्छा लगे बड़ा मजा आए तो सर को प्लीज कंटिन्यू करो या ठीक है मिक्स भी कर सकते हो तुसा तो जनाब काशिर साहब तो आपको पता लग गया है कि लाडो लाडो अस खेदिया से चंद मसाद पिछु थी के खेदिया से इन्होंने बेसिकली बहुत सारे छेरिया इकट्ठे थी रहे हैं बहुत सारे लड़के इकट्ठे थी रहे हैं सारे तकरीबन ऑलमोस्ट सारा मोहल्ला ते जेरे होने इकट्ठे खेदिया तो वो इकट्ठे वेंदे से मुख्तलिफ घर दे विच आटा खेदे से आटा खेन के तो बारिश होती है उन दे विच अस जे रहे बारिश दे विच अस हलवा बने दे से वटे ਉਹ ਬਾਲ ਖਾਣੇ ਅੰਤੇ ਬਸ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇ ਅੰਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਕੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਆਟਾ ਦੇਣੇ ਅੰਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਕਤ टोरंटो कैनेडा च बैठे हैं और असा है डेरा इस्माइल खान दे और डेरा इस्माइल खान तो आपको अगर मालूम है तो के पी दे विच है पाकिस्तान विच और उत्थां सरायकी लई वेंदी है और साड़ी पश्तो जिहड़ी है वो भी उत्थां बोली वेंदी है तुसां उस आपको दसो तुसां कित्थां ही वे इस ते तुसां घर केरी जबान लेंदे वे ताकि साकू कुछ आइडिया थी वे और वो दोस्त जेरे मेरे हूँ साकू जैन कीता है तो आपको मैं रिपीट कर देव ही कसा कहावत या कहानी को आप जो क्या रांत कहावत कहावत है वो मैं शेयर की थी अखाण उन तो मैं को जवाब दे उन्हें प्लीज अगर यह जवाब दे दिता तो वो असारी आज दी इन सिटिंग दा विनर हो सी इनाम तो असा अगर उतना बैठ वास्ते तो आपको दे वहाँ सब दूर बैठिए इन वास्ते कोई इनाम नहीं से रखा लेकिन क्लैपिंग जरूर करे सो तो आदा ना चाहे क्लैपिंग जरूर करे सो अगर तुम आपको उनका पता है ता खैर तो समझना भी कर सकते हैं कहते कोई पूछ भी सकते हैं लेकिन वो आजकल दे हालात के मुताबिक नहीं वो ये है कि सात दिहाड़े नंदा गिया सात नंदे दे घर नंदे बह के हिसाब की था नंदा घर दा घर और शाहानी आदि पेन स्टेबलेस अंकल आंटी बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच ये हूँ एक नवा कोई क्वेश्चन है अच्छा एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन तो नहीं ये कह आखे के चंद व सात साप उदस्य के इन मतलब क्या है और ये है कौन है अलबश साहब कुंदिया को लू और ये आधन के बाबा जी साहब ये दसो के उत्तो आए दू मलंग सावे टोपियां ते नील रंग अच्छा ये कहावत सुनी रही है लेकिन इस वक्त आइडिया कौन यानी कहावत ये है अगर तुहाकू याद है तुसा सा शेयर करो और उन्होंने दसो ये है कि उत्तो आए दू मलंग उत्तो आए दू मलंग सावे टोपियां ते नीले रंग ये हुन केरी शाय है ये हुन समझ नहीं आती जरा मुश्किल लग रहा है थोड़ा कोई इशारा दो तो आप कोई बुझारा सुनिए ना थोड़ा इशारा देना पड़ता है तो बुझारा दो थोड़ा इशारा तो दो ना यार अलग भाई साहब जरा कोई इशारा दो उत्तु है नू मलंग ये क्या कोई फ्रूट दना है कोई या कोई कैसे दना है कुछ इशारा रहे कोशिश करें ने सारे टोपियां नीले रंग हाँ जी नसीर मुराद साहब अस्सलाम वालेकुम तो सा ज्वाइन की था सा डेरा इस्माइल खान देवे बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बड़ा अच्छा लगता पिए जी बिल्कुल नसीर साहब डेरा फुला तो सह रहे कोई शक को नहीं और यकीन करो कि जिस वक्त असा छोटे आसे वाकई उस वक्त हर ये वैसे ना चफेरों फुल फुल होने
और तो मैं क्या दसा, अज सारे दोस्त गाल करना पे कि 45 लाख आबादी थी गई है डेरा इस्माइल खान दी, जबकि असा जिस वक्त से उस वक्त तुसा हैरान थी सो कि टोटल डेरा इस्माइल खान दी आबादी 25,000 है, 25,000। और उन्दा ये भी होंदा है कि असा जल्द सुबह उठते आसे तो पूरे मोहल्ला पूरे ये चारों बाजार इन बाकरी बाजार रहीम बाजार भाटिया बाजार मुस्लिम बाजार ये सारे साफ थे पे होने बुहारियां डिचे पे होने और उन्दे बाद ये म्यूनसिपल कमेटी आले हैं इन्हां दे ट्रक होने हैं और पिछु फुहारे लगे होने हैं पूरे तुरकावी थी पे होने हैं क्योंकि लोग थोड़े होने हैं रिसोर्सेस ज्यादा हैं तो एक किस्म के बड़े फैसिलिटीज होने हैं तो सारे जो कमेटी आले हैं वो बुहारियां डिवे हैं लोग बिल्कुल सुते पे होने उसे सवेरे सवेरे और उन्हें बाद धमी ले वो ये के शायद इनको फुहारे वाली काल जरूर है तो क्या करें वो तुरका करें ना। अच्छा भैया तो आप दिलचस्प गाल दसा कि माशकी होने हैं माशकी माश मशक होती है सो रिठावासी मशक वो ऊं जहाँ से तुरका करें ना मशक के नाल जरा कि वो ट्रक नहीं बज सकता है वो फुहारा नहीं बज सकता है तो गलियां दे विच वो उससे मशक के नाल तुरका करें ना तो इतना खूबसूरत दौर होता है और वाकई उस फुला का सेहरा लगता है। बहरहाल सारी दुआ है कि इंशाल्लाह वो जल्दी बात भला थी वजे तो बड़ा दिल करें है कि वो वापस वाल आवे। सईद ने जैन किया सईद बहुत शुक्रिया यार तेरा कि है खैर खरिया सब ठीक ठाक है क्या वाले जरा इन्हें कॉल करें ना जरा गप शप ले सो है बाकी आपने बहुत ख्याल रखा कि करो अल्लाह ताला खैर करे सी। ताहिरा अनवर साहिबा बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये सारी सराइकी जबान है और चूंकि असा डेरा इस्माइल खान दे हैं और उत्था असे जबान अलें दे असे और जिस वक्त बाहर निकले हैं पढ़ाई करके तो डेरा इस्माइल खान को निकल गए पिशावर उनके बाद मर्दान उनके बाद कराची हैदराबाद पूरी उनके बाद दुनिया से निकल गए पूरी दुनिया से घूमे हैं असा को जी मदर माँ बोली जबान सराइकी बहुत वो अधिक भूल गई है तकरीबन ऑलमोस्ट हूँ ई दौर चाहे वाला जरा याद आ गई है थोड़ा शौक थी ना कि आदमी वाला अलावे तो मैं सारे अपने जो सरेकी वसे दे दोस्त हैं उनको मैं रिक्वेस्ट की थी है कि कितने भी अगर सारी को गलती हो गई ठीक है तो वो सारी गलती को ठीक जरूर करे और इग्नोर करे अगर कोई गलती थी वजह था तो इन वजह को आज दी सीटिंग है वो बेसिकली असर फोकस करे पे हैं कि अपनी माँ बोली जबान सरेकी दे विच ही गाल की थी मैंने जी। अरसलान महफूज साहब वालेकुम असलाम तुसा ज्वाइन किया है बहुत बहुत शुक्रिया और इस वक्त तुसा कितना बैठे हुए वो सा नजरा शेयर कराए। हाँ जी ताहिरा साहिबा तुसा इस वक्त कितना बैठे हुए और सा नजरा शेयर तो करो और मैं बेसिकली एक कहावत है वो शेयर की है अपने ग्रुप पीछे और वो कहावत दा अगर तो आपको कुछ अंदाजा है तो सारे नालों को जरूर उदा रिस्पॉन्ड करो कि ओके शे मैं बोला दसू मैं बोला तो अपने से ना वो ये है कि सत दिहाड़े नंदा गया सत नंदे दे घर नंदे बह के हिसाब किता नंदा घर दा घर अगर तो आपको इंदा कोई आइडिया है तो वो जरूर दसाए। ये नईम राशिद नईम राशिद डेरा इस्माइल खान इन्हें दे कोई जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि बाबा जी तुहारे दौर च ते आजकल दे दौर च जुम्मा जो है किए मनाया जाता है तो ये तो बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन और वाकई सारा जरा जुम्मा होता है और आजकल का जरा जुम्मा है बहुत फर्क है बहुत ज्यादा फर्क है। और तो मैं ये दसा कि साढ़ा जरा जुम्मा होता है वो एक किस्म का ईद वाली कार होता है हर सतवेरी सारी ईद होती है इतनी खुशी होती है कि जुम्मे का दिन है और अस बड़े तैयारी करेंगे असंद वास्ते सुबह सवेरे उठना अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह और वो ये होता है कि सारी जारी माँ है अम्मा आसरा दिया अम्मा ते बाबा सारी जारी अम्मा है वो खार आला टीन चढ़ेंगे
ये हुन तुसा को शायद पता ना होवे हां लेकिन असारे दौर च होंदा ही कि कपड़े सारे हफ्ते दे इकट्ठे थी वेने हन ओ एक लिक्विड होंदा ही पत्थर वाली कार कुछ है होंदी को खार अदर खार ये पता नहीं की बनदी कोई ऐसा केमिकल होंदा को दरख्त को सड़े ने तो ना कि शायद पत्थर वाली कार बनदी है ओ को ऐसे जी ऐसा साबुन नहीं होता या लिक्विड होंदा है जने कपड़े वॉश करे ने तो ओ कपड़े बाद के सब ओ टीन होंदा है घी वाला टीन उन दे भी सटे ने हन ओ खाली होंदा है उन दे पानी सटे ने हन ओ खार खोल दिए बाद उत रखे ने तो उन दे के तेन कपड़े तो सुबह सुबह साडी जी अम्मा होंदी है ओ कपड़े धोंदी है उन दे बाद जो जो चिटका निकल आंदा है धूप निकल आंदी है अस धूप दे उते बैठे ने अस उथा धावण धोण हिसाब किताब होंदा है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਮਰਫੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲ ਲਾ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਰਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਛੂੰ 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 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਲੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀ ਕਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੰਡੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸਰ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਵਣ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਮਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਖਾਵਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਔਰ ਅਸਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਆਲਮਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਆਦਨ ਜੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਆਦਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਬਹਿਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥਾਂ ਜੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਠਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਤ ਜਾਕੋ ਆਦਨ ਉਹ ਆਦਨ ਜੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਸੀ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਗਿਆ ਵਸਤੀ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਸੀ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਦਨ ਮਹੱਲਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲੀ ਇਲਾਉਦੀਨ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆਦਨ ਤੇ ਮੌਲੀ ਇਲਾਉਦੀਨ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥਾਂ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੋ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਵੰਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਦਨ ਵਿਸਾਖੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TCS ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕੋ ਆਦਨ ਵਿਸਾਖੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਦਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉੱਥਾਂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਦੰਗਲ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਸਨੀ ਪਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਗਿਸਨੀ ਕਿਆ ਕੋ ਆਦਨ ਗਿਸਨੀ ਇਵੇਂ ਗਿਸਨੀ ਪਕੜ ਕੇ ਦੂ ਆਦਨ ਬਹੀਆਂ ਤਹੀ ਬਲ ਉਹ ਛੁੜੇ ਨਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੇ ਨਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਲਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਿਆ ਉਹਦੀ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸੀ ਜਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਛਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਛਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭੇੜ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਦੰਗਲ ਯਾਨੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੁਮੇ 'ਚ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਈਆਂ ਮੈਂ ਆਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਕੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜੇ ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾ ਅੱਧਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮਤ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੁਮਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ
सलाम महफूज साहब ज्वाइन किए और तुसा मैं इस वक्त दुबई च बैठा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया तुसा ज्वाइन किया। दुबई सारे काफी दोस्त हैं, अल्लाह तआला को खुश रखे और अपने हिफ्ज अमान ही रखे। बस गुजारिश है कि जिवे रूल्स रेगुलेशन लोकल लेवल में अमल जरूर अपने दोस्तों को आपको करें, क्योंकि अजकल के जो हालात हैं उनको गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को मनना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह तआला को अपने हिफ्ज अमान रखे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक सारे वो प्यारे इनको मैं क्या कहूँ, मेरा भतरीजा भी है, मेरा भणीजा भी है, इन्हें नाम है शहाब खान। और इन्हें मैसेज किया है शहाब खान डेरा इस्माइल खान इशू के खाल को आखो पश्तो दा गाना सुना। हूँ खाल बेसिकली चूंकि असर तो लेने सरह की है, लेकिन चूंकि डेरा इस्माइल खान चलाने हैं उतना पश्तो भी अलग वेंदी है, तो इन वजह को थोड़ी थोड़ी पश्तो आँदी भी है सको और पश्तो लेंदे भी हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं। तो हूँ देखो उन्हें पश्तो गाना सुनावे, ये तो हूँ बड़ा मुश्किल काम है। शहाब खान पश्तो तक पता है तारी खाला तो अल्लाह खैर करे। नहीं मुश्किल मुश्किल ही कहते हैं। अच्छा चलो दोस्तों, चलो हूँ चूंकि शहाब की भी फरमाइश है और चंद मसाद की भी फरमाइश है, मैं तो थोड़ा जितना सुने ना गुनगुना देना पश्तो दे, लेकिन तुसा खिलाया नहीं, ठीक है। थोड़ा पानी पीना चाहिए, लेकिन खैर पानी बोले एक नहीं। हालांकि मैं खाई मैं गिलास पानी तो रखना, क्योंकि बुढ़े आदमी पानी लौटते थे। चलो तो को मैं पछतो एक थोड़ा गुनगुना के सुनना। नरे बारां दे पास लवड़ी वर विना, नरे बारां दे पास लवड़ी वर विना, जवारे कोर मतन नसीब रावड़ी मां। थैंक यू वेरी मच, बस इतना है। गुलेराना मैं पश्तो से मैं गाना सुनाए तो सब पता सुना नहीं सुना, लेकिन सब अदा सुनाए, ठीक है। और लगता ही है कुछ खड़कार है, उम्मीद है कि पानी शानी में रोंदा पिया क्या सुन कित। अच्छा तो ये पानी आ गया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं एक घुट पानी तो पी गया। हाँ जी वकार वकार वकार, गुड गुड गुड, यस देर फुल सर, कोई शक नहीं। अच्छा हूँ कोई तो को मैं बुला और दस ना, हालत मैं को सवाल का जवाब नहीं मिला। इमरान खान वेलकम, तुसा ज्वाइन किया बड़ी मेहरबानी, और तुम्हारा पता नहीं। हाँ गुलराना वाह बिल्कुल। अच्छा ये इमरान ने क्या लिखा है, तो तुहा को डेरा को देख दे यार। इमरान नाराज न थी भाई, हाथ जोड़ के माफिया मांग दे, क्योंकि मैं सराकी लिखी हुई पढ़ ना सकता, चूंकि सारी ही गलती है। अगर उर्दू च लिखा होगा तो मैं तो अपने सराकी चे दे रहा हूँ, नहीं ऐसा लिखा है ना, क्योंकि अक्सर इतना जो है ना यूरोप या सारी इतना अमेरिका कैनेडा के बीच इतना रोमन विच लिख दें ना, तो रोमन ही आदमी थोड़ा पढ़ गिनता, मैं जितने ये कितने ना क्वेश्चन ये रोमन ही लिखे हैं। अदरवाइज सराकी के बीच जो लिखा है बहुत प्यारा लगता है, वो टाइम बड़ा लगता है। मैं ही गिला उस मैं जल्द वीडियो खत्म करे सब पढ़ सब तो मैं जवाब दे सा, अगर तू समय को रोमन च लिख सकते हुए तो शायद। अच्छा जमशेद ने लिखा है भाई पहले उत्ते जवाब आ गया है और उन्हें आके बताऊं। अच्छा
अच्छा अच्छा सही 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 ओ ओ सही है सही सारे टोपी नहीं लगाएंगे अच्छा 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 हाँ ओ बिल्कुल बिल्कुल ओ के राय की मैं लिखवाए होता था उत्तो एडू मलंग सावे टोपिया नीले रंग बिल्कुल जी ये तुम्हारा आंसर सही है जै भी लिखा है तो उम्मीद है यार तक अपना सवाल का जवाब मिल गया उसी यानी उत्तो एडू मलंग सावे टोपिया थे नीले रंग वताऊं वताऊं को अगर तुस देखो तो उत्तो जो टोपी बनी होती है वह होती है सावी तो तलू होता सीधे हाथ नाल पियो ये बेसिकली मेरा सीधा हाथ भी है पीता ना हाँ नहीं नहीं सही है इमरान ने लिखे के सीधे हाथ नाल पियो ये बेसिकली सीधा है ये हम तो पता नहीं अगर मैं इवें करा तो वो सीधे ही लगते मैं सीधे नाल पीते लेकिन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक सही है और वो ये है कि मैं दुआ हाथ नाल काम करे ना अब मैं कोई समझ नहीं आती कि क्या चक्कर है लेकिन मैं छोटे लादा तुस यकीन करो कि मैं अगर शेव करे ना तो खबी हथ नाल करे ना मैं सही हथ ना कर सकता बाकी मेरा अल्लाह का शुक्र है खावना पीवना वो मैं सज हथा कि हम सदे को नहीं हुए गिलास में मिले ने ये गिलास में नहीं हुए तो मैं ये पीते और सज हाथ ये खबा चल रहा है ना तो हो सकता है उनके भी उल्टा लगे तो आपको लेकिन ये बेसिकली सज हाथ है आप इस वक्त कहाँ से लाइव हैं इमरान बेसिकली अस इस वक्त बैठे हैं टोरंटो कैनेडा के बीच और चूंकि परदेस ही बैठे हैं तुहारी सबको याद आंदी कोई बहुत ज्यादा तो इन वजह को आसा दे के चलो तुहारी नजराई में बहाने गाल मुहार थी वेंदी है काफ़ी दोस्त आ वेंदे सारे टाइम जरा अच्छा गुजर वेंदे अदरवाइज अगर अस अपने घर डेरस में खान पाकिस्तान बैठे हुआ तो बहुत मुश्किल बातें न से आ सकते चूंकि वतन की मूंझ होंगी है वतन की याद होंगी है इन वजह को अस ऑनलाइन आंदे और कोशिश होंगे कि तुम्हारा जरा गपशप लगे तो इस वक्त अस टोरंटो चू बैठे हैं और लाइव गाल करें चलो जनाब ये क्वेश्चन का जवाब अलबाश खान तो सकुंदिया को क्वेश्चन किया है ये तारे क्वेश्चन का आंसर सारे बहुत सारे दोस्तों ने दिया है उत्तू है दू मलंग सारे टोपिया नीले रंग वैसे सारे वास्ते यार वाकई बहुत मुश्किल किस्म का लगता पिया है कि असा तो वाकई अपने आप को मलंग समझी बैठे से कि अगर ये मलंग अगर तू आने तो इनकी न सावी टोपी है तो नीले तक कोई रंग शंग नजर आने बहरहाल बहुत सारे दोस्तों ने जवाब दे दिया तो उम्मीद है कि तुमको तो जवाब मिल गया उसी लेकिन मैं को मैंने जवाब हाल तक नहीं मिला चंद मसाल ने जरा मैं को दस भाई एक इन्हें को जरूर दसना है और सबको दसन के ई कहावत का मतलब क्या है इनका बैकग्राउंड क्या है ये ख्वाहिश हमारी थी पूरी करें हाँ जी सही दसो ख्वाहिश दसो अस बैठे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने वास्ते हुक्म करो हुक्म मेरे मामू भी टोरंटो में हैं शायद आप जानते हैं उनको जी इमरान क्या ना है उनका और टोरंटो च कित रहा वैसे तो उम्मीद है असा जो डेरस में खान के लोग इतना जो रहा टोरंटो उनको अस तकरीबन ऑलमोस्ट जानते हैं क्योंकि सारे डेरे वाले की गेट टूगेदर थी रही है और गपशप भी लगती रहती है और टेलीफोन से भी गाल थी रहती है अजकल चूंकि कोरोना का चक्कर वक्कर है तो आपको पता है एहतियात करें हैं और अस चूंकि बुढ़े हैं तो साथ मजीद पाबंदियां तो घर को बाहर देखना भी नहीं तो अस तो बैठे अंदर लेकिन ये है ये जरूर है कि अस सुण दे होसूँ तुम्हारा ना शेयर करो या असा ना उन्होंने दसो तो हो सकता है कि सुण दे अच्छी गाल है तुम विजिट करो चक्कर लाओ साढ़े भी मुलाकात थी वैसी तुम्हारी नाल ठीक है जरूर चक्कर लवाए कुछ हालात इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक थी मैं इंशाल्लाह जो ही सही थी सन अस भी चक्कर लाओ है बड़ी ख्वाहिश है उड़ के आसो इंशाल्लाह तुस भी चक्कर लाओ तो इंशाल्लाह गपशप भी लगसी नहीं तो कम अज कम अगर डेरे बैठे हुए तो डेरे तो जरूर मुलाकात थी सी हाँ सही दस ना यार तेरी कह रही ख्वाहिश है गुलेराना आदि पई है कि
ਗੁਲੇਰਾਂ ਦੇ ਬੇਕ ਸੋ ਸਿਆਣ ਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਣ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਚਲ ਮਸਾ ਦੱਸੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇ ਖੜਕੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸ ਗੁਲੇਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੋ ਸਾਰੀ ਮਸਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਮਸਾਤ ਹੈ ਮਸਾਤ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਸਾ ਗੁਲੇਰਾਂ ਦਾ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ महबूब बलोच साई बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया और तुहा को गुड मॉर्निंग सारी गुड इवनिंग है लेकिन खैर कोई गल नहीं टाइम के हिसाब न मॉर्निंग ठीक है वैसे बाय द वे बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया तो तुहाको पता हो सी मैं एक असद चंद मसाद थे वेला बाबा एक कहावत शेयर की थी तुसा चूंकि हूं ज्वाइन की था तुसा जरूर सुनी हो सी और ये मैं कुछ सो कि मतलब क्या है बिना को जिन्हें दोस्तों ने सुनी है उन्होंने को माजरत जिन्हें नहीं सुनी उन्होंने वास्ते मैं वाला रिपीट करे ना कि सत दिहाड़े नंदा गया सत नंदे दे घर सत दिहाड़े नंदा गया सत नंदे दे घर नंदे बह के हिसाब किया नंदा घर द घर तो ये बलोच खान तो साहब मैं दसो मैं को थारे को ज्यादा उम्मीद है कि ये तो आपको जरूर पता हो सी वास्ता इंशाल्लाह थारे वास्ते एज यूजल बहुत ज्यादा क्लैपिंग करे सी ठीक है जी इमरान खान इंशाल्लाह जरूर मुलाकात थी सी गुले राना पे बिल्कुल सही है हाँ वेरी गुड 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 असा बूढ़े जरूर थी गए लेकिन अकल ना अकल ही खैर खत्म थी गई सो अकल ही कौन क्योंकि जेरे गवर्नमेंट है ना जिन्हें अंग्रेजा ने रूल कटा है आदि सठी आ गया साठ साल के बाद इन्हें को रिटायर कर गिनो असा वही रिटायर थी गए लेकिन ये तुम्हारे नाल ये सोशल मीडिया के बह बह के गप शप ला ला के थोड़ा आइडिया थी रहा है अदरवाइज कह को कौन याद रहा है भाई कौन कितना है ये तो चूंकि बैठे हैं सोशल मीडिया ते वास्ते तो सब सुझाणते हैं बाकी माशाल्लाह बहुत सारे हैं सारे जिनको असा सुझाणते हैं और जाहिर है जो सोशल मीडिया से इंटरैक्शन रहते हैं उन्होंने नाल सारी दोस्ती है गप शप भी उन्होंने सुझाणते हैं और सारे मामे मामे उन्होंने बहुत बहुत सलाम दी है मसात गिची दा फसाद ना 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 देखो महबूब ये गाए न करो मसात गिची दा फसाद नहीं सोच में असा तक दसें ऐसी गल नहीं मसात चलो कह के दो लेकिन असा तो जो है ना वो को मसात को जी आधे ना जेरा फुला दसेरा ए मसात देखो दिल बन गए दिल बन गए ठीक है ये मसात मसात वाले मसात नहीं तो तुसा ख्याल करो अपना अल्लाह ताला तो कोई खुश रखे और सदा सलामत रखे और मैं पता तो मजाक किता है लेकिन खैर कितें कितें भी हो गए मैं अल्लाह ताला तो सलामत रखे गिची दा फसाद हाँ बाबा गुलराना यस गुड अच्छा सईद दस ना वत केरा है यो तो वाला चल गया है केरी फरमाइश है सईद खान भैया सारे एक मसात आया बैठा है रफीक जरगर हाँ रफीक पितरेर क्या है ठीक ठाक मैंने मसाद के विच पितरेर भी शामिल हैं मलवेर भी शामिल हैं सारे शामिल हैं सारे सारे के साहब जितने दोस्त हैं वो सारे शामिल हैं वो किया नहीं इसका ये ऊपर कैसे जाता है बिठाए पितरेर को ये बड़ा बैठा है सद चाचा और ताकू याद है ना ये सद चाचा निशानी है हाँ अच्छे वो जमशेद ने सेट कर लिया तो हूँ सईद वाला कमेंट मैं हूँ एक गोल गिनसा सराय की गाना है सर जी तू दस हुक्म कर मैं तो सराय की गाना सुनने का माल है देखे सराय की देश में तो सुनना केरा गाना तो आता दस केरा सुनना चाहना थोड़ा ज़्यादा तो पूरा तो ना सी ना हाँ जी केरा गाना है सईद हुक्म कर अच्छा इमरान मैंने बताया आपको ताहिर रिजवान है उनका नाम है मामू जो टोरंटो में है यार ये ना वाकई इमरान आई एम सो सॉरी एको
आप ये बताएं, सॉरी तू सही दसो कि सर तुसा कितना बैठे सर डेर इसमें खान देंगे और ये डेर इसमें खान देंगे ये थोड़ा कंफर्म कर लो ना और ये अगर टोरंटो रहने तो मैं इन्हें को इंशाल्लाह लोकेट कर सा और क्योंकि अगर डेर इसमें खान दे नहीं तो थोड़ा मुश्किल मेरे वास्ते थी वैसे उम्मीद है कि थे इन्हें कितनी राह चल रही थी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए जरूर थी सी तुसा लिंक उन्हें शेयर कर दो उन्हें कोई आई डी शेयर कर दो या मैं उन्हें को दे दो तो इंशाल्लाह मुलाकात कर सो चाची सुनावे दस हूं तू चाची दस है तो चाची सुने महबूब बोले चाहते कमीज तारी काली काली तारी कमीज सोनी मैं तो चिट्टा जोला पाती हूँ तो काली कमीज नहीं चलो खैर वही सुना देते यही काले ही काले मैं जमशेद पादा वो क्या ना चिट्टा चोला था गाना लेने तो मैं होता हूँ थोड़ी डांस करने सा ठीक है ये सही है ते महबूब खान बलोच वो गाना से चले सो तो मैं तुम्हारे वास्ते ये दो हाथ मार दे सा ओके ये एग्री है क्योंकि इस वक्त जो रहना थोड़ा जरा इशू है आवाज का और इंशाल्लाह मैं तो सुना सा फिक्र ना करो तो हूँ चिट्टा चोले वाला गाना सुन ले उन्हें बाद बता को जो रहना बखैर कोई हो चिट्टा चोला अच्छा हूँ ये याद तो जबरदस्त किता है बलोच साहब आते पहन कमीज तेरी काली यार असल कमीज पहन के सॉरी ठीक है अच्छा चलो बड़ी मेहरबानी यार तू समझ सवाल का जवाब तो दो ना यार ठीक है इमरान तुसा आई डी उन्हें शेयर कर दी है और मैं इंशाल्लाह को लोकेट करके और तुम्हारे नाल भी जरूर शेयर करे सा और दसे सा कि हाँ वाकई सारी मुलाकात थी गई है अगर उन्होंने फोन नंबर मेरे को मिल गया तो मैं उन्होंने कॉल करे सा तुम्हारे रेफरेंस के नाल और अगर ओह आई एम सो सॉरी यार बहुत मैं उर्दू चलावन लग गया अगर, अगर मैं को टेलीफोन नंबर मिल गया तो मैं उन्होंने रबता फोन पर करे सा और अगर आई डी सजे सेंड की थी व्हाट्सएप दी है फेसबुक दी है तो मैं जरूर उन्होंने इंशाल्लाह शेयर करे सा गुलेरान आज भी माशाल्लाह हाँ जी इकबाल पटेल आप कैसी ठीक है खैरियत से हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने का आपका हाँ जी आमीन बहुत शुक्रिया बलोच सिंह बहुत शुक्रिया और बस वो डांस वही हो सी अगर वो जमशेद लैसी चाहे काला चोला होवे चिट्टा चोला होवे कमीज होवे वो डांस में वही करने तो आपको पता है तो ये मैं तो सुनना एक्सक्यूज कर गिनो अदरवाइज या तो आपको मैं एक भी सुनना चलो ठीक है सरा की देवी चेले कहना वही तो आप सुनना गदी चुक चुक ले आंदी गदी चुक चुक ले आंदी उठी के सलाम करो असाडे सजना कुछ आंदी ठीक है बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया थैंक यू मच डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है बहुत शुक्रिया मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के आपने हमें ज्वाइन किया बेसिकली असा इस वक्त सराय की जबान च गपशप लेंदे बैठे हैं और सराय की जबान दे विच काफ़ी सारे दोस्त हैं उन्होंने फरमाइश भी की है मैं सराय की च गाना भी गाए पश्तो च गाना भी गाए और लेकिन तुसा हूँ ज्वाइन किया बड़ी मेहरबानी और तुसा अपना बहुत ख्याल रखो और तुसा भी एक साढ़े वाली कार वेले नहीं वे तुस बहुत मसरूफ है लेकिन थोड़ा टाइम कट के वर्चुअल तरफ इन साइड दे भी जरूर आवा है ठीक है
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और अगर कोई यूनिवर्सिटी की कोई नवी ताजगी हो तो मैं आपको इन बक्स जरूर करें, मैं इंतजार ही छा। लेकिन हूँ तो देखो हालात ही थी गए कि बिल्कुल फ्लाइट्स बंद थी गए, इनशाला जी फ्लाइट्स को से सब को पहले फ्लाइट मेरी हो सी चंद मसात तो मेरी ठीक है। बहुत शुक्रिया घर अपने बच्चों को सबको दोनों की तरफ से सलाम जी। असद राय साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं थोड़े न लिख शेयर किए सबको दसो क्योंकि मैं हूँ वाइंड अप करने वाला थोड़े में टाइम काफ़ी गिन किया, मैं एक खत्म करने सही सिटिंग को क्योंकि मैं कुछ चंद मसात चूंढियाँ पहली बैठी कि बस करूँ ठीक है। तो हूँ एक सब बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो एकदम मैं तो कुछ रिपीट कर रहा, और अगर जमशेद देखे किसी ने कोई जवाब दिया है मैं कोई मिले नहीं है तो। लेकिन भारत मैं आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मेरी जो एक कहावत थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और वो कहावत ये है मैं कोई प्लीज जवाब जरूर दो नहीं तो मैं तो आपको एक्सप्लेन करने सा कोई ऐसी वाली गाल नहीं। सत दिहाड़े नंदा गया, नंदा किसी का नाम है बेसिकली, सत दिहाड़े नंदा गया सत नंदे दे घर, नंदे मैं के हिसाब किता ते नंदा घर दा घर। जफर अली खान गंडापुर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खरीयत है ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया तुसा ज्वाइन कीते। और यार गंडापुर मैं को इवें है कि पढ़न बिल्कुल नहीं आता, ये मैं नाल मेरा पुत्र बैठे उन्हें थोड़ा पढ़ के सुनाया मैं कुछ आइडिया थी गया। और इन मला माल बेनियत ठीक है, वो अगर नीयत तो खोटा तो खोटा रहो, तुम्हारी मोहब्बत एक और सच्ची होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, उन्हें लगन होनी चाहिए, उन्हें प्यार होना चाहिए, तुम्हारा प्यार कुछ छिके गिना सी तुस बिल्कुल। ये देखो कितों मैं एक मुजफ्फराबाद जत्ता अली बस्ती डेरा इस्मा खान को छिके थे तक गिना अपने नाल बधाई बैठा, और माशाला इन्हों को पूछ दिया कि खुश इन करें खुश है कि नहीं, देखो मैं खुश है तो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत सच्ची लगन को छिक गिना सी, वो दिल का खोटा वो नहीं, तुस अपने आप को खरा और सुचा सौदा दो बेचो इंशाल्लाह जी। तुम्हारी मैं वो भाई कह रहे हैं हफ्ते का दिन उसका जवाब। अच्छा महबूब सही महबूब सही महबूब सही ये ना करो, तुसा कहें बुजुर्ग को जरूर पूछो उन्हें पता हो सके क्योंकि तुसा हाले क्योंकि ऐसा छोटे ऐसे तो उससे सब कुछ सुनाया वादा है वो तो बाद खत्म थी गए। और ये नंदा भी बेसिकली कह हिंदू का ना है चूंकि पाकिस्तान नवा नवा बनाया है तो वो नंदा हिंदू के नाते ही उनके नाते मशहूर है, और सारे मुसलमान अक्सर अक्सर आखते हैं सारे मुसलमान ही नंदे बहुत जी मिसाल बनी हुई है, लेकिन ये उन्होंने नाते बना है कि वो उनके नाते वो सत दी कह जहात गया तो उनका हूँ तक मैं दस एक दो मिनट के बाद ठीक है मैं वाइंड अप करे ना तो मैं तक दस। खालिद साहब इस वक्त हम सॉरी खालिद साहब इस वक्त असा टोरंटो च बैठे हैं कैनेडा दे विच, और चूंकि काफ़ी दूर है वतन दी मूझ है ये वजह को तुहाना दसा लेने हैं और गपशप ला के थोड़ा दिल जरा बहल रहा खुश थी वह तो तुसा ये दसो कि तुसा कितों इस वक्त बैठे हुए। हाँ जी जफर अली खान गंडापुर साहब तुसा कितना बैठे हुए इतना इस वक्त डेर इसमें खान छे पिशावर बैठे हुए केरी जाते हुए उस्मान गनी गनी विलाग फैमिली इन्हें ज्वाइन किया है वालेकुम असलाम बहुत शुक्रिया। और इन्हें कोई सिस्टम हो गया ना कि दो इकट्ठे बैठे हुए ताकि एक स्क्रीन इच दुहा दे फोटो आ गया, बहरहाल कोई ऐसे टेक्निकल लोग नाल को मशवरा करे सो कि इकट्ठे साइमल्टेनियसली एक स्क्रीन पे दो चार आदमी कि आ सकते हैं ठीक है वो तो आपको दसे सो और मेरे ख्याल है कोई इन्हें वो भी सिस्टम होंगे उनके जरिए शायद तो कोई सेटिंग वेटिंग की बन सकती है, लेकिन बहरहाल लेट्स सी। हाँ जी बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच, और तुसा भी जिंदा रहो खुश रहो और शाद आबाद रहो तत्ती हवा न लगने, और बे किस्म के बहुत दवाइया जे बुढ़े लोग सारे दुआवा तो मजमू कि तुसा हसदे बसदे और खुश रहो अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखो, और इस वक्त ही बैदा ख्याल रखने की बहुत सख्त जरूरत है। और हाँ वो जरा
शुरू फुट का फासला है वो जरूर रखना चाहिए। साढ़े तो नहीं था कोई लेकिन बारह लोग फासला भी रखना चाहिए। मोहम्मद खालिद कह रहे हैं डेरा में। अच्छा ठीक है खालिद साहब बसी का मतलब तो सही है। इंशाल्लाह मैं तुम्हारे इतना अंकल मुलाकात जरूर करे सा मैं उनकी आई डी को एक्सप्लोर करे ना और मेरी आई डी भी उनको दे दो। और मेरी आई डी बड़ी आसान है एट वेल बाबा VELLAH बाबा ये तुम यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं मैं को मिल सकते हैं इंस्टाग्राम के उत्ते फेसबुक के उत्ते कहीं भी जहाँ तुम मैं को रबता कर सकते हैं एट वेला बाबा। मैं वो भाई कह रहा सर डेरा विच अपनी सरकार के नाल अंकल अंकल सरकार समझते हैं और इवे दिल होना चाहिए और खुश रहो शाद आबाद रहो। बाकी तुसा अपने वडकों को भी सारे बहुत बहुत सलाम देवे सारी बहुत दुआ ला उन्हें सेहतमंद तंदुरुस्त रखे और उन्होंने साया तुम्हारे सर से कायम उदायम रखे। असारे वास्ते भी दुआ की करो क्योंकि असा भी 70 के लपेटे च आ गए हैं और ये 60 साल के बाद तादिन ना सठिया गया और उसके बाद जिंदगी बोनस से चलती पी होती है तो बोनस से चलते वे हैं जितने दिन अल्लाह करे खैर खरीत न गुजर वन क्योंकि सांस वे तो नहीं सांस तो पूरे जितने लिखी हुई है सांस पूरे बस ये होंगे कि चूंकि इलाज सुन्नत है सुन्नत वही स्वस्थ होंगी कि तुम्हारी तकलीफ कम से कम थी वे लेकिन वो जी तुम्हारी कट ऑफ लाइन है वो एक्सटेंड नहीं थी सकती तो बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों इवें है कि टाइम तुम्हारा बहु अस गिन छोड़ा है और तक मैं अपनी जी अज कहावत है उन मैं थोड़ा डिटेल भी दसे ना और काफ़ी दोस्तों ट्राई तो किया है लेकिन इंदे कोई परेशानी की गल इ को नहीं कि एक कहावत बहुत पुरानी है और एक कहावत सारे बचपन के जमाने की है उससे ले बहुत ज्यादा है हूँ अजकल तो बिल्कुल पता ही कोई और जो थोड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिन्हें को इंटरनेट का पता कोई और साको अगर थोड़ा बड़ा इंटरनेट का पता है लाइव है तुम बैठे हैं चैट करे दे बैठे हैं ये अपने बेटे की वजह करूँ ये मेरा उस्ताद भी है मेरा गाइड भी है मेरा मेंटर भी है ये सोशल मीडिया के ये साको गिन है। अदरवाइज मेरे नाल जितने भी मेरे दोस्त हैं ना उन्होंने ईमेल है ना उन्हें को इंटरनेट का पता है बल्कि तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग गल दसा कि सारे एक दोस्त है उन्हें कंप्यूटर गिदा मैं एक हूँ की गल है मतलब पिछले 5 साल पहले की गल है अस उस वक्त रिटायर थी चुके से उसने कंप्यूटर गिदा मैं उन्हें जल्द घर गया बैठक कंप्यूटर के उत्ते कपड़ा गता भी आई मैं आके क्यों आके यार ये चले बिजली खर्च थी मैं आके जल्द जरूरत उस चलाया बंच किया। हालांकि कंप्यूटर द फंक्शन इवें है जिन्हें सारे घर फ्रिज तो डीप फ्रीजर 24 आवर चलते हैं तो कंप्यूटर जो 24 आवर ऑन रहा है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो आखिर का मतलब है कि मेरे जो कंटेम्परेरीज हैं मेरे जो दोस्त हैं मेरे जो हमजोली हैं उन्हें को बेचारा को इन शेयर का चूंकि पता को नहीं तो लिहाजा इन वास्ते इतना नहीं बांधे तो जेरे जितने बैठे हुए तो मेरे बाला अधिकार हुए बच्चा अधिकार हुए तो इन वजह को कोई परेशानी की गल तो कहावत का मतलब तो पता को नहीं था हूँ तो आपको मेरे सुना वो है कि नंदा ही खई जरा कि बहुत कंजूस किस्म का आदमी है अजकल भी लोग काफ़ी पाए हुए हैं उन्होंने ना कोई भी आई थी सकता है उन्हें यह सोचा कि अपनी सवाणी के नाल अपने घर वाले नाल अपने जाल के नाल मशुरा किया कि इवें है अजकल खर्चा सारा घर का थी ना पिए बहुत ज्यादा हूँ इन्हें कहने सत्त नहीं कहीं जहाँ कहीं घर रहने तो उन्होंने खाना पीना खास हो सारे कुछ खाने पीने के पैसे बचत थी वैसे तो वो नंदा सात दिहाड़े नंदा गया कहते घर वो कहते घर गया सात दिन उन्होंने गुजारे खाना पीना नाश्ता लंच डिनर वटेवर जो था खा के बाद जेरे वो जाल मसाला घर है ना तो सात नंदे दे घर सात बंदे आ गए उन्हें घर सात बंदे आ गए सात दिहाड़े नंदा गया सात नंदे दे घर वो उन्हें घर आ गए और नंदे में के हिसाब की था यार की हिसाब थी क्या सारे कितने बच्चे और नंदा घर द घर यानी सात नहीं उन्होंने बहर खा पी गिदा मुझे ले घर आया उन्होंने सात आदमियों को खवाया उन जो हिसाब की था वहां के यार मैं तो बिल्कुल हिसाब बराबर थी गए ठीक है
तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दिल तो बहुत है कि आदमी बैठा रहे, लेकिन काफी इतना काफी देर थी गई है टोरंटो के बीच, और इंशाल्लाह वाला मुलाकात थी सी ऐसा टाइम कोई सेट नहीं कि ऐसा हर रोज आउट है, लेकिन जरूर भी ऐसा आसू इंशाल्लाह पाकिस्तान इच 9 बजे का टाइम होसी, इंडिया के भी 9:30 का टाइम होसी, इतना सारे रात के 12 होने, ठीक है। तो वाला इंशाल्लाह मिलसू, आपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय।